जब से पेंडेमिक खत्म हुआ है, जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है, तब से रेगुलरली न्यूज आ रही है कि हमारे इंडियन एडटेक सेक्टर लगातार कुछ न कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को फायर किया जा रहा है। बायजूस ने 2500 लोगों को फायर कर दिया, अनअकैडमी ने 1000 लोगों को निकाल दिया, और अपग्रेड और वेदांतु ने मिलाकर 550 लोगों को फायर कर दिया। और जब हम ये सारी न्यूज को रेगुलरली देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन निकलता है, क्या सचमुच इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का, एडटेक सेक्टर का क्या फेलियर आ चुका है? और अगर उसका आंसर यस है कि सचमुच फेलियर आ चुका है, तो इसके रीजंस क्या है, क्यों फेलियर आया? और थर्ड, क्या हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है एडटेक सेक्टर का? जो इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंपनियां हैं, जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो डेकाकॉर्न्स हैं, ये क्या पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो जाएंगी? क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं? इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ये तो आप हर चैनल पर सुनते होंगे, हमारे चैनल पर कुछ और सुनो। मेरे भाई, अगर आपको सचमुच वीडियो पसंद आ रही है तो सबसे पहला आप एक काम करोगे, वीडियो तो पूरा देखो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आज के इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख के जा रहे हो, कोई लेसन लेके जा रहे हो, तो प्लीज तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो ना आप लोग। मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया, एक चैनल बनाया, उसको जी जान से सोचा कि आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा, और लोगों ने, मैंने एक स्टेप लिया, लोगों ने 100 स्टेप का मेरे को हेल्प किया है। लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मुझे WhatsApp पे, मुझे Instagram पे, मुझे कमेंट्स में इतने सारे लोग लिखते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आज इस चैनल पे सब्सक्राइबर 300 हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो एक दिन इस चैनल को मिलियन सब्सक्राइबर पे देखना चाहते हैं। जितना उम्मीद मुझे नहीं है मुझे चैनल से, मेरे चैनल से, उतना ज़्यादा उम्मीद तो आपको है आपके चैनल से। होप करता हूँ कि सारी विशेष सच हो, एक टाइम आए जब हम लोग मिलियन सब्सक्राइबर के बेस पे बैठे रहें, ये फैमिली इतनी बड़ी हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, सबसे पहला चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो, सेकंड लाइक कर देना, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने से उसके किसी फ्रेंड्स की या फिर फैमिली की मदद हो सकती है, चैनल को आप शेयर भी कर सकते हो या फिर वीडियो को शेयर कर सकते हो। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो अगर आप अपने उन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं कि सचमुच एडटेक सेक्टर कोलैप्स हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन सेक्टर की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर धीरे धीरे करके हमारे इंडियन स्टार्टअप में या फिर हमारे इंडियन कल्चर में धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हुआ है। तो सबसे पहला कि हमारे इंडियन एजुकेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसमें हम लोग ने स्कूल को स्टैब्लिश किया। जब स्कूल्स को स्टैब्लिश किया गया तो इसके बेसिकली दो मोटिव थे, सबसे पहला कि लोगों को परफेक्ट नॉलेज दी जाए, और सेकेंड उनको परफेक्ट स्किल सिखाई जाए जिसकी मदद करके वो एक एम्प्लॉयमेंट पा सके, और हमारे ह्यूमन हैबिटेट को या फिर हमारे इंडियन हैबिटेट को, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, हमारी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में मदद करें। तो बेसिकली इसीलिए स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कई समय तक स्कूल्स का अच्छा टाइम चला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई स्कूल को, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जब हमारे इंडियन सेक्टर में कोचिंग्स और क्लासेस का एस्टैब्लिशमेंट होना चालू हुआ। तो इनके एस्टैब्लिशमेंट के भी दो रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न कि जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा IQ रखते हैं, जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वो तो स्कूल में आराम से पढ़ के अच्छी जॉब क्रैक करके, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट ले लेते थे। और इससे क्या हुआ कि हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी, तो पूरी तरीके से ब्रिलियंट लोगों से डोमिनेट होने लगी। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे या फिर जो अच्छे से समझ नहीं पाते थे क्राउडेड एरिया में ज़्यादातर बच्चों के बीच में, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, उनको भी लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्रैक करना ही था। तो इसलिए क्या हुआ कि क्लासेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और क्लासेस ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सबसे पहला कि उन्होंने उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया कि किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, और सेकंड उन्होंने ऐसे टीचर्स को लाया जो कि ट्रेंड है कि किस तरीके से बच्चों को समझाना है, जो कि इसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं कि बच्चों को किस तरह समझाया जाए। तो बेसिकली ये दो प्रॉब्लम की वजह से कोचिंग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, क्लासेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और क्लासेस भी धीरे धीरे करके लोगों के लिए चलने लगी। अब क्या हुआ कि उस जब क्लासेस का एस्टैब्लिशमेंट होता था तो क्लासेस एक ऑप्शन की तरह थी कि अगर आप स्कूल जा रहे हो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कोचिंग या फिर क्लासेस को ज्वाइन करोगे। लेकिन धीरे धीरे करके क्लासेस हमारे एक एजुकेशन सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंट और इतना एसेंशियल रोल प्ले करने लगा कि आज ऐसा टाइम आ चुका है कि हम लोग अगर किसी को देखते हैं कि कोई एजुकेशन परस्यू कर रहा है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि उसने कहीं ना कहीं या फिर किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो लिया ही लिया होगा। इस हद तक आज इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ डोमिनेट करती है। आज ऐसा टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने स्कूल को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जब हम कोई क्लासेस चुनते हैं तो बहुत सोच समझ के चुनते हैं। इस तरीके से जो क्लासेस जो एक ऑप्शन की तरह स्टार्ट हुई थी, आज एक नीड बन गई। अब लोग अगर कोई एजुकेशन लेने का सोचते हैं तो स्कूल के साथ कोचिंग जरूर 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 डालते हैं।
यही मोटो है एडटेक सेक्टर का। जब एडटेक सेक्टर स्टार्ट हुआ तो हर एडटेक फाउंडर ने यह सोचा कि जिस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग्स का एडॉप्टेशन हो गया, उस तरीके से एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसे भी लोग एक नीड की तरह लेने लगेंगे और ये भी धीरे धीरे करके हमारी ह्यूमन सोसाइटी में अडॉप्ट हो जाएगा। ऐसा हुआ भी। जिस तरीके से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स ने जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने दो प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसी तरीके से एडटेक सेक्टर जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। नंबर वन प्रॉब्लम कि जो इतना ज़्यादा फीस चार्ज करते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनको तो पहले कम कर दिया। इसका मतलब कि जब आप एक एडटेक प्लेटफॉर्म में इनरोल करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको सस्ता पड़ता है। सेकंड, ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल था। जो ऑफलाइन कोचिंग होती थी वो इतनी ज़्यादा स्केलेबल नहीं हो पाती थी क्योंकि लोग आप ज़्यादा ज़्यादा उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक स्केल कर सकते हो, उसके बाद तो बच्चा इतना लंबा ट्रैवल नहीं करेगा आपकी कोचिंग में आने के लिए। थर्ड, दे विल प्रोवाइड अ ग्रेट एंड अ स्पेशलाइज्ड टीचर्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब होता क्या था कि जब आप एक फिजिकल कोचिंग में जाते थे तो जरूरी नहीं कि हर कोचिंग में प्रोफेसर जो हो वो टॉप नॉच हो। होता था कुछ कोचिंग के पास टॉप नॉच प्रोफेसर होते थे, कुछ कोचिंग के पास नहीं होते थे। लेकिन एडटेक प्लेटफॉर्म ने क्या किया कि एक लेक्चर टीचर लिया जो कि टॉप है, उसका लेक्चर रिकॉर्ड किया और सारे बच्चों को दे दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि हर बच्चा टॉप टीचर से पढ़ रहा है। फोर्थ, कि कोचिंग ने लोगों को कभी भी और कहीं भी एक्सेस करने का फ्रीडम दिया। एक बार अगर ऑफलाइन में लड़का अपना कोई लेक्चर छोड़ देता है तो उसको कवर करने के लिए उसे बहुत मेहनत लगती है। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक बच्चे के लिए फिर से लेक्चर अरेंज नहीं करते, लेकिन एडटेक प्लेटफॉर्म ने क्या किया, उसको एनीवेयर और एनी टाइम का फ्रीडम दे दिया कि कभी भी और कहीं भी लेक्चर को एक्सेस कर सकता है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इजी टू ऑपरेट एंड वेरी इजी टू कहते ना वर्किंग कैपिटल इसमें बहुत ही कम लगता था। ये सारे पॉइंट्स की वजह से एडटेक प्लेटफॉर्म चालू हुआ और ये सारे प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से सॉल्व भी कर रहा था। अब जरा समझते हैं कि एडटेक प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पे हुई। तो बेसिकली एडटेक प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा ह्यूमंगस ग्रोथ दो बार हुआ है। पहला 2017 में जब जियो बेसिकली लॉन्च हुआ, जब रिलायंस ने अपना जियो लॉन्च किया तब, और सेकंड जब पैंडेमिक आया 2020 में। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2017 से। 2017 में जब रिलायंस ने अपना जियो लॉन्च किया तो लोगों के पास इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि अब सब लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस था। इंटरनेट चीप हो गया और एक्सेसिबल टू ऑल हो गया। अब सब लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी थी, जिसकी वजह से जो एडटेक सेक्टर का मार्केट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब हर एडटेक कंपनी बहुत इजीली स्केल कर सकती थी, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू ऑपरेट था, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा था। इन सारे पॉइंट्स की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स में डालना चालू कर दिया, जिसके वजह से 2017 में जब जियो लॉन्च हुआ एक साल बाद ही हमें बायजू जैसे यूनिकॉर्न्स भी देखने को मिले, क्योंकि इनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट देना इन्वेस्टर्स ने चालू कर दिया था। आज ऐसा टाइम आया कि पैंडेमिक के बाद हमें वेदांतु मिला है एज अ यूनिकॉर्न, अनअकैडमी मिला है, अपग्रेड मिले हैं, ये सब यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। फिजिक्स वाला ये सारे यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। अब बात करते हैं पैंडेमिक की, कि पैंडेमिक ने किस तरह हेल्प किया। जब पैंडेमिक हुआ तो सारे बच्चे लोग अपने घर में बंद हो गए, ना तो उनके पास कोई स्कूल का फ्रीडम था एक्सेसिबिलिटी या फिर कोई कोचिंग का एक्सेसिबिलिटी थी, उनके पास सिर्फ ओनली एंड ओनली रिसोर्स था वो था एडटेक प्लेटफॉर्म्स, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन। तो इस टाइम क्या किया सारे कोचिंग्स ने, सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स ने अपने कोर्सेज को सस्ता कर दिया, अपने कोर्सेज को बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या बोलते हैं मार्केटिंग किया, अपनी सेल्स बढ़ाई, अपनी रेवेन्यू बढ़ाई, अपनी वैल्यूएशन को बेसिकली बूस्ट किया और अपने कोर्सेज को ऑलमोस्ट कहते ना कि बहुत सारे फ्री ट्रायल्स भी दिए लोगों को कि वो किसी भी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर इनरोल कर लें, चाहे एक ही साल के लिए कर लें। तो बेसिकली जब इतने सारे बच्चे एक्स्ट्रा इनरोल करने लगे अलग अलग एडटेक प्लेटफॉर्म से, तो उन लोग ने बहुत सारे इंप्लॉयज़ को भी हायर किया, बहुत सारा स्टाफ भी हायर किया, मैनेजमेंट स्टाफ भी हायर किया, जिसकी वजह से कंपनियां बहुत ज़्यादा लेवल पे अलग लेवल पे ऑपरेट करने लगी। अब समझते हैं कि इन कंपनियों का फेलियर कब आया। बेसिकली इनका फेलियर भी दो बार आया है, एक है 2017 में और एक है 2020 में। मतलब कि जब जब जियो आया प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ, और पेंडेमिक की वजह से प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ। ज़रा समझते हैं कैसे। 2017 में जब जियो आया तो नए इंटरनेट सबके पास हो गया, मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया एडटेक सेक्टर का। अब कोई भी इंसान आराम से इस मार्केट में एंट्री ले सकता था क्योंकि कोई बैरियर नहीं था। अगर किसी इंसान के पास कोर्सेज रिकॉर्ड करने का पैसा है तो सिर्फ उसे रिकॉर्ड करो, उसे मार्केट करो और आपकी ऑपरेशन कंपनी चालू, आपकी ऑपरेटिंग कंपनी स्टार्ट हो चुकी है।
इससे क्या हुआ कि अब लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए थे कि अगर इसका नहीं पसंद आया तो इसका ले लूंगा, इसका नहीं पसंद आया तो इसका ले लूंगा, जिसकी वजह से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया। जहां पे पहले कस्टमर 2 रुपए में मिलता था, वहीं पे अब कस्टमर 10 रुपए में मिलने लगा। और जिसके वजह से अब बहुत सारे कंपनीज ने अपने कोर्सेज के प्राइस कम कर दिए। जो कंपनी पहले अपना कोर्स 50,000 में बेच रही थी, वही कंपनी अब अपना कोर्स 30,000 में बेच रही है, जिसके वजह से कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट बढ़ती गई और प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके कंपनियां लॉस में आने लगी। और सेकंड, जब 2020 में पेंडेमिक आया, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तब लोगों को प्रॉफिट हुआ, लेकिन पोस्ट पेंडेमिक के बाद, पेंडेमिक खत्म होने के बाद, अब सारे लोगों के पास, सारे बच्चों के पास फिर से अपने फिजिकल इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ चुका था। उन सारे लोगों ने फिर से क्लासेस को ज्वाइन किया, फिर से स्कूल्स को ज्वाइन किया, और अब फिर से सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए नीड ना होके एक ऑप्शन बन गए। मतलब कि अब उन्हें अपने ऑपरेशंस को कम करना पड़ेगा, अब उनकी सेल्स उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, जिसके वजह से इन सारी कंपनीज ने बहुत सारे इंप्लॉयज को फायर किया, बहुत सारे प्रोसेस को, ऑपरेशंस को शट डाउन किया। अब ये मुझे बताइए कि अगर कोई कंपनी डेकाकॉन है, यूनिकॉर्न है, जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, जिनके पास ऐसे एक्सट्रीम स्मार्ट लोग हैं जो डेटा को एनालिस करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा होने वाला है, क्या उन्होंने ये नहीं प्रेडिक्ट किया होगा कि जब पेंडेमिक ओवर होगा तब ये सारी चीज़ें होंगी? ऑब्वियसली उन लोगों को पहले से पता था कि उन लोगों को एक टाइम पे आने के लिए, एक टाइम पे अपने सारे इंप्लॉयज को फायर करना पड़ेगा। वैसा उन लोग ने किया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कंपनी ने किया क्यों? अपनी वैल्यूएशंस को हाइप करने के लिए, अपने रेवेन्यू सेल्स को हाइप करने के लिए। ये टाइम पे मार्केटिंग करके अपना ब्रांड नेम बनाना बहुत आसान था, इसलिए कंपनीज ने ये स्टेप्स को अपनाया। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि ठीक है, चलो माना कि ये सारी कंपनीज का सब कुछ स्ट्रेटेजिक था, ये जो भी हुआ ये सब चीज़ें प्लान थी, क्या सचमुच हमारे एडटेक सेक्टर का क्रैश आ चुका है? मैं बोलूंगा परमानेंट क्रैश नहीं है, ये एक टेम्पररी, ये एक मैन मेड क्रैश है, ये कोई मार्केट मेड क्रैश नहीं है। इसको सचमुच किया गया है, अपने दिमाग लगा के इसको स्ट्रेटेजिकली किया गया है, जिसकी वजह से क्रैश दिख रहा है। बेसिकली ये सारे कंपनीज को कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है। जो बड़ी कंपनियां हैं उनको थोड़ा ज्यादा पड़ा है, जो छोटी कंपनियां उनको थोड़ा कम पड़ा है। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि इस क्रैश को कौन कौन से कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? 3 कंपनियां। सबसे पहली कंपनियां जो कि एक बहुत ही बिग ब्रांड नेम है, फॉर एग्जाम्पल बायजू, अनअकैडमी, वेदांतु, अपग्रेड, इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके पास पैसा भी है, इनके पास कस्टमर्स भी है, इनके पास ऑपरेशन को कस्टमाइज करने का तरीका भी है, टीम भी है, इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इनको मार्केट में ख़त्म होने में अभी टाइम है। ओके, तो इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड टाइप ऑफ कंपनियां वो है ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनियां, जैसे कि फिजिक्स वाला, अपनी कक्षा, ये कंपनियों को किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी मार्केटिंग में इतना पैसा खर्चा करते ही नहीं है। इनके पास जो भी कस्टमर है ये ऑर्गेनिक कस्टमर है, इन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, मार्केटिंग करके तो पैसा कस्टमर कमाए नहीं है। तो ये कुछ भी कर ले, इनका कॉस्ट पर एक्विजिशन, कस्टमर पर एक्विजिशन कॉस्ट कभी उतना जाएगा ही नहीं, जिसके वजह से इनको कभी लॉस हो। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंपनियां ने ब्लाइंडली अपने आप को स्केल नहीं किया है, स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं, वो भी लॉस में नहीं जाएंगे। सिर्फ लॉस में वही एडटेक कंपनियां जाएंगी जिन्होंने ब्लाइंडली अपने आप को स्केल अप किया है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है किस तरीके से सस्टेन करेंगे, सिर्फ पैंडेमिक सोचा, अपॉर्चुनिटी देखी और अंधे की तरह एक्सपांड कर दी। वो कंपनियां का बुरा समय आ चुका और शायद आगे आने वाले समय पे बड़ी बड़ी कंपनियां शट डाउन भी हो अपने इन प्रॉब्लम्स की वजह से, अपने इन स्टेप्स की वजह से। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई, आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, वीडियो को शेयर करो, और अगर ज़्यादा हो सके भाई तो थोड़ी बहुत मेरे से बात कर लिया करो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने अबाउट सेक्शन में, जाओ मुझे मैसेज करो, थोड़ी कुछ बातें कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय 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 बाय, सायोनारा।